हेलो फ्रेंड, मैं अर्षी गया बिहार से और आप देख रहे हैं अर्षी टेरिस गार्डन। सो फ्रेंड, देखिए मैं छत पे आ गई हूँ और बरसात का टाइम चल रहा है, तो कुछ पौधा भी मैं नर्सरी से लाई थी, मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। तो देखिए मेरा कुछ गमला सूखा हुआ है, लेकिन मिट्टी इसकी भुरभुरी है। फिर भी मैं एक काम कर रही हूँ, सारा मिट्टी को पलट कर एक दिन का धूप दिखा दे रही हूँ, उसके बाद ही इस पॉट में फ्लावर ट्रांसफ़र करूँगी। तो एक दिन बढ़िया से इसे धूप दिखा दी हूँ, ये देखिए फैला हुआ है। और ये दूसरे दिन का क्लिप है, ये देखिए जो भी मेरा मिट्टी था उसे पलट करके और सूखा धूप दिखाने के बाद अब मैं उसमें पौधा लगाने जा रही हूँ। कुछ रेत मिलाई हूँ, कुछ लीफ कंपोस्ट है, कुछ किचन खाद है। ऐसे हमारी घर की ही मिट्टी थी, गार्डन का ही मिट्टी था, तो मुझे उतना मिलाने का ज़रूरत नहीं पड़ा है। फिर भी मैं थोड़ा सा रेत मिलाई हूँ, लेकिन सबसे निचली सतह में मुझे देखिए इस तरीके से सूखा पत्ता डालना होता है। और सूखा पत्ता डालने से बहुत ही अच्छा आपका प्लांट सर्वाइव भी करता है और साथ ही साथ इसके नीचे लीफ कंपोस्ट भी रेडी हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से गमले में आप आराम से कोई भी फ्लावर अभी इस टाइम लगा सकते हैं। ये टाइमिंग बहुत अच्छा है लगाने का, बस मिट्टी पर ख्याल रखना है कि अच्छे से रेडी करें और अपने गमले को अच्छे से फिल करें। नीचे वाले सतह में एक सुराख जो होता है उस सुराख को बड़ा करें, और बड़ा के मतलब कि एक थंब इतना सुराख का होल होना चाहिए। और उसके ऊपर एक ठिकरी रख दें, कोई भी ईटा का, चाहे कपड़ा का, चाहे कोई गमला का। और उसके बाद ड्राई लीफ डाल करके मिट्टी अच्छे से भर के और कोई भी पौधा लगाइए, बहुत अच्छा इस टाइम पे सर्वाइव करेगा। बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है गार्डनिंग करने का, क्योंकि बारिश भले ही कम हो लेकिन पौधा बहुत अच्छे से चल रहा है। पानी देना पड़ता है लेकिन पौधा सर्वाइव कर रहा है। देखिए ये हमारा अमरूद का पौधा है जो बिल्कुल सूख गया था, अब इसमें हरियाली आ गई है और एक पेड़ तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो इसे भी मैं बढ़िया से हाल करवा ले रही हूँ, मिट्टी एकदम हल्की और वेल ड्रेन करवा लूँगी। देखिए कितना हार्ड मिट्टी हो गया था, क्योंकि इसमें पौधा सूख गया था और गर्मी का था। देखिए कुछ मैंने ट्राइकोडर्मा लिया है, कुछ वर्मी कंपोस्ट लिया है। ट्राइकोडर्मा बहुत ही अच्छा फंगीसाइड होता है, आप मिट्टी में हल्का सा मिलाइएगा तो उसमें कोई भी जो ख़राब कीड़ा होता है जो आपके पेड़ को नष्ट कर देते हैं वो कीड़ा डेवलप नहीं करता है। इस तरीके से मैं गड्ढे करके जो पौधा लगा रही हूँ अमरूद का, तो उसमें मैंने थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा डाल दी, उसके बाद ही अमरूद का पेड़ लगा रही हूँ। तो इससे देखिए बहुत अच्छे से अमरूद का पेड़ सर्वाइव कर जाएगा। अभी तक तो मैं इसी तरीके से लगाई हूँ, अब उसका क्या रिज़ल्ट रहेगा मैं अपडेट देती ही रहूँगी। बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। इस तरीके से साइड में भी मैं थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल दे रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे गार्डन का जो मिट्टी है वो उसमें ऑर्गेनिक खाद मिला हुआ है, उसमें किचन कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, लीफ कंपोस्ट है, तो मुझे उतना खाद देने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है इस टाइम पर। और इस तरीके से पानी भर कर दीजिए, इतना पानी दीजिए कि निचली सतह से बाहर आ जाए पानी, ये नहीं कि थोड़ा सा पानी देना है। अगर थोड़ा सा पानी दीजिएगा तो इसी में पौधा ख़राब हो जाता है। हल्की हल्की अभी बारिश हो रही है, लेकिन वो बारिश से काम नहीं चलने वाला, पानी बहुत अच्छे से देना है। तो फ्रेंड हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।